वेलकम डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था फैमिली ऑफ लाइंस का केस टू तक, ठीक है। अब हम लोग यहाँ सीखेंगे नेक्स्ट पार्ट। द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन टचिंग द सर्कल एंड लाइन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मान लो तुम्हारे पास एक सर्कल है और एक लाइन है, और इस लाइन का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मालूम है तुम्हें, ठीक है। तो अब इस एक पॉइंट से भी इनफाइनाइटली मेनी सर्कल पास कर सकता है। तो ये जो इनफाइनाइटली मेनी सर्कल्स की फैमिली को फैमिली ऑफ सर्कल कहेंगे। अब इस फैमिली ऑफ सर्कल का जो है स्पेशलिटी क्या है, यहाँ पर इस फैमिली की स्पेशलिटी क्या है, इस फैमिली की स्पेशलिटी ये है, जो ये इस गिवन सर्कल के इक्वेशन को इस पॉइंट पर टच कर रहा है। तो इस फैमिली को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो ये लिखेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो ये हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल, वेयर के इज आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है, वेयर के इज आर्बिट्री कांस्टेंट एंड के का पे रिस्ट्रिक्शन क्या है। अगर के जीरो हुआ तो ये एक सर्कल यूनिक सर्कल मिल जाएगा, और के अलग अलग वैल्यूज के लिए तुम्हारे पास यहाँ पर फैमिली ऑफ सर्कल्स के मेंबर्स मिलेंगे। और के निकालने के लिए क्वेश्चन में हमेशा कुछ ना कुछ एडिशनल कंडीशन हमेशा दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो जब कभी भी ऐसा सिचुएशन रहा तो हम इस तरह से रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल एज्यूम कर सकते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट सिचुएशन। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। तो देखो अब यहाँ पर सीधे दो फिक्स्ड पॉइंट दे दिया और कुछ नहीं दिया। तो दो फिक्स्ड पॉइंट से भी इनफाइनाइटली मेनी सर्कल्स पास कर सकता है। तो तुम करो क्या, वहाँ पर पी क्यू को डायमीटर मान लो, एंड तो पी क्यू को अगर तुमने डायमीटर ट्रीट किया तो डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल ये हो गया। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट, और ये हो गया स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू टू पॉइंट्स लाइन का इक्वेशन। तो इसको तुम इससे कनेक्ट कर सकते हो, एक सर्कल है डायमेट्रिक फॉर्म में, एक लाइन है ए बी, ठीक है। तो सर्कल का इक्वेशन तुमने डायमेट्रिक फॉर्म में लिख दिया, लाइन का इक्वेशन लिख दिया लाइन पासेस थ्रू टू पॉइंट्स, तो फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन तुमने एज्यूम कर लिया सर्कल प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वल्स टू जीरो। मतलब जब कभी भी सिर्फ दो फिक्स्ड पॉइंट दे दिया तो दो फिक्स्ड पॉइंट से इनफाइनाइटली मेनी सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो उसके रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ सर्कल के लिए हम लोग इस सेटअप को यूज करते हैं, और एक्स वन वाई वन रखो तो आइडेंटिकली सेटिस्फाई भी कर रहा है। गॉट इट, तो इस बात को ध्यान में रखना। तो ओके, अब वो यहाँ इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल विच टचेज दिस लाइन एट एक्स वन वाई वन, इसका मतलब क्या हुआ वो देखो। ये एक लाइन है, और अगर मुझे इस लाइन का इक्वेशन दे दिया है ओके, और इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट दिया हुआ है एक्स वन वाई वन, इस लाइन का इक्वेशन कुछ तो होगा y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप x माइनस एक्स वन। तो ये भी समझो सर्कल प्लस लाइन के जैसा है। अब यहाँ सर्कल एक्ट करेगा एज अ पॉइंट सर्कल जैसा, तो तुम इस तरह से ट्रीट करो यहाँ पर रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ सर्कल इस तरह से आया, ठीक है। तो यहाँ पर इस पॉइंट सर्कल का इक्वेशन मैंने लिख दिया x माइनस एक्स वन स्क्वायर y माइनस वाई वन स्क्वायर प्लस आर्बिटरी कांस्टेंट, ठीक है, आर्बिटरी कांस्टेंट, और लाइन का इक्वेशन आ गया कितना y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन इक्वल्स टू जीरो, यानी सर्कल प्लस आर्बिटरी कांस्टेंट लाइन। मान लो अगर स्लोप वन अपॉन जीरो है, यानी वो लाइन जो है वो y एक्सिस के पैरेलल है, तो उस केस में लाइन का इक्वेशन x इक्वल टू एक्स वन हो जाएगा। तब भी ये पॉइंट ऑफ सर्कल है, ये आर्बिटरी कांस्टेंट, और ये लाइन का इक्वेशन है उस केस में जब स्लोप वन अपॉन जीरो है।
गॉट इट। और स्लोप अगर फाइनाइट है तो लाइन का इक्वेशन ऐसा होगा, ये वाला पॉइंट सर्कल जैसा लेना है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा तुम्हें। ओके तो मोस्ट ऑफ द टाइम 95% क्वेश्चन में या तो दो सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिखेगा तुम्हें, ठीक है, या फिर सर्कल एंड लाइन दिखेगा, या फिर तुम्हें सर्कल है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो सर्कल है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो मैं अभी यहाँ से इस सर्कल का इक्वेशन, फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन लिख सकता हूँ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम S1 प्लस KS2 या S प्लस KL इसी का ज़रूरत पड़ने वाला है। बाकी सब सिचुएशंस भी इसी से कनेक्ट किया जा रहा है, तुम ध्यान से देखो अगर इसे, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ द सर्कल गिवन इन द डायग्राम, इस डायग्राम में तुम्हें इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकालना है जो पास कर रहा है X1 Y1 से एंड उसके सर्कमफ्रेंस पर एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। इस सिचुएशन में रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या तुम यूज करोगे? तो इस केस में रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल जो है वो ऐसा आएगा, X-X1 X-X2, ये तो कनेक्ट कर लो डायमेट्रिक फॉर्म से, प्लस माइनस कॉट थीटा। अब यहाँ पे X-X1 Y-Y2 X-X2 Y-Y1 = 0। ये देखो बच्चे, जनरली ये इतना लंबा चौड़ा रिजल्ट याद नहीं रहता है, इसलिए इसका डेरिवेशन देखो ध्यान से। मान लिया ये ए बी है और ये इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ से तुम स्लोप ऑफ ए पी निकालो जो कि M1 है, स्लोप ऑफ बी पी निकालो जो कि M2 है, और यहाँ टैन थीटा लगा दो। टैन थीटा मॉड हटेगा तो प्लस माइनस आया, डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा फैमिली ऑफ सर्कल्स के सारे सिचुएशंस। पहला, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सर्कल्स, S1 प्लस KS2 एंड मेक श्योर K शुड नॉट इक्वल्स टू -1, ठीक है। मतलब ये कंडीशंस का मतलब क्या है, जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाले टर्म कैंसिल नहीं होने चाहिए, वरना वो लाइन का इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। अब जो है फॉर मोर क्लैरिटी कुछ एक एग्जांपल्स देखो, और एग्जांपल क्या है तुम्हारे पास, जो ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सर्कल्स। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिस थ्रू दीज टू सर्कल्स, तो मैंने ये दोनों सर्कल का इक्वेशन लिख लिया, ठीक है। यह आया X² + Y² + 13X - 3Y = 0। यहाँ पर भी X² Y² का कोफिशिएंट 1 बना लो, खैर नहीं भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके तो रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन क्या लिखेंगे, तो रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन लिखेंगे Circle 1 + Arbitrary Constant Circle 2 = 0। तो मैंने Circle 1, अब कन्फ्यूजन नहीं पालना है तो मैं जो कौन सा सर्कल का इक्वेशन S1 कंसीडर करें, जो मन है उसको पहले S1 ले लो। मान लो मैंने इसको S1 लिया, ठीक है, ये मैंने S1 लिया, आर्बिटरी कांस्टेंट ये मैंने S2 ले लिया, ठीक है। तो S1 एंड S2 आ गया तुम्हारे पास, सिंप्लीफाई करके क्या मिलेगा तुम्हें, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल 1 + KX² 1 + KY² 13 + 2K ऑफ X, फिर क्या आया तुम्हारे पास, -3 - 7K/2Y, देन -25K/2। अब K का वैल्यू निकालने के लिए इन्फॉर्मेशन क्या है, ये जो सर्कल है वो पास कर रहा है किस पॉइंट से,
वन कॉमा वन से, तो वन कॉमा वन इसे सेटिस्फाई करेगा, तो एक्स की जगह वन, वाई की जगह वन, के का वैल्यू जो आया वो के का वैल्यू यहाँ रख देना, बस के का वैल्यू माइनस वन आया तो रिजेक्ट कर देना। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशियंट जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशियंट इक्वल हो चलेगा, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा तुम्हें। अब तुम लोग वीडियो पॉज करो और इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, ठीक है। क्या कर रहा है यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासिस थ्रू द पॉइंट माइनस टू कामा फोर एंड कट बाय द लाइन। मतलब एक सर्कल है और एक लाइन है, और मुझे रिक्वायर्ड सर्कल ये येलो कलर वाला फैमिली ऑफ सर्कल है। मैंने उसका वन ऑफ द मेंबर कैसे लिखूंगा, सर्कल प्लस आर्बिटरी कांस्टेंट लाइन इक्वल्स टू जीरो। सर्कल का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो। लाइन का इक्वेशन क्या है, थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो। तो सर्कल प्लस आर्बिटरी कांस्टेंट लाइन इक्वल्स टू जीरो। अब के निकालने के लिए इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, इट पासिस थ्रू माइनस टू कामा फोर, एक्स की जगह माइनस टू, वाई की जगह फोर रखो, के आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सर्कल का इक्वेशन इसी तरह से लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस सिक्स प्लस आर्बिटरी कांस्टेंट के, और यहाँ पर क्या आएगा, लाइन का इक्वेशन थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो। तो ये क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू प्लस थ्री के एक्स माइनस सिक्स प्लस टू के वाई सिक्स माइनस फाइव के। के निकालने के लिए इन्फॉर्मेशन क्या है, इट पासिस थ्रू माइनस टू कामा फोर, एक्स की जगह माइनस टू, वाई की जगह फोर रखो, के का वैल्यू टू आ रहा होगा, के का वैल्यू टू यहाँ रख देना। तो इसका इसका सिंप्लीफाइड आंसर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस टू वाई माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो, ऐसा कुछ आ रहा होगा, ठीक है बच्चे, गॉट इट। अब वापस से वीडियो पॉज करो, सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करो। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच पासिस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू सर्कल एंड हुज सेंटर लाइज ऑन वाई इक्वल्स टू एक्स। तो अगेन वही पुरानी कहानी, सर्कल, ये दो इंटरसेक्टिंग सर्कल है, ये मेरा फैमिली ऑफ सर्कल है। तुम्हारे पास दो सर्कल का इक्वेशन है, एक सर्कल का इक्वेशन एस वन लो, दूसरे का एस टू लो, रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ सर्कल एस वन प्लस के एस टू होगा। एस वन मतलब फर्स्ट सर्कल कितना है तुम्हारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस टू वाई प्लस फोर प्लस आर्बिटरी कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फोर वाई माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो। तो ऐसा करने से रिजल्ट क्या आया, वन प्लस के ऑफ एक्स स्क्वायर वन प्लस के ऑफ वाई स्क्वायर माइनस सिक्स प्लस टू के ऑफ एक्स टू माइनस फोर के ऑफ वाई फोर माइनस सिक्स के इक्वल्स टू जीरो। अब तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन क्या दिया है, हुज सेंटर लाइज ऑन वाई इक्वल्स टू एक्स। देखो अब सेंटर निकालने के लिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशियंट वन बनाओ, यानी वन प्लस के से डिवाइड कर दिया, और पता चल गया अगर के का वैल्यू गलती से माइनस वन आया तो वो रिजेक्ट होगा, अगर आया तो। और ये क्या आया, टू के माइनस सिक्स अपॉन के प्लस वन एक्स टू माइनस फोर के अपॉन के प्लस वन वाई फोर माइनस सिक्स के अपॉन के प्लस वन, दिस इक्वल्स टू जीरो। अब इसका सेंटर निकालो, तो इट्स सेंटर इज माइनस जी माइनस एफ, इसका माइनस जी क्या कहलाएगा, तो हाफ ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स, तो विच इज थ्री माइनस के बाई के प्लस वन,
माइनस एफ क्या कहलाएगा, के माइनस टू बाई के प्लस वन लाइज ऑन y इक्वल्स टू x, तो इसको इसको इक्वेट करो, k कैलकुलेट हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू दिस वन, k का वैल्यू कैलकुलेट हो गया, 2k इक्वल्स टू 5, k 5 बाई टू कुछ ऐसा आ रहा है। जैसे ही k का वैल्यू आया, k का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, जो आएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसके आगे कंप्लीट कर लेना, ओके। अब वापस से वीडियो पॉज करो और थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है पासिस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सर्कल्स एंड टचिंग द लाइन। इसका मतलब सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, फैमिली ऑफ सर्कल बनाना पड़ेगा। ये दो गिवन सर्कल है, ये मेरा फैमिली ऑफ सर्कल है जो इन दोनों सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, और ये जो फैमिली ऑफ सर्कल है वो इस लाइन को टच कर रहा है। तो सबसे पहले मैं फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन लिख लूँ। तो मेरे पास एस वन फर्स्ट सर्कल, एस टू सेकेंड सर्कल, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर प्लस के, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फोर वाई प्लस फोर। अब यहाँ कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यहाँ एस वन किसको ऑप्ट करें, तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो तो इसको एस वन की जगह लिखो और इसको एस टू की जगह लिखो। कंडीशंस लगाने के बाद कभी कभार हो सकता है कि अलग अलग आए, लेकिन फाइनल आंसर सेम आएगा, फाइनल आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, वन प्लस के ऑफ एक्स स्क्वायर वन प्लस के ऑफ y स्क्वायर माइनस टू के एक्स माइनस फोर के वाई प्लस फोर के माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो। तो वन प्लस के से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू के बाय के प्लस वन माइनस फोर के बाय के प्लस वन, ये एक्स ये वाई। अब ये सर्कल आ गया, कर अब ये सर्कल जो फैमिली ऑफ सर्कल है इस लाइन को टच कर रहा है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाओ, सेंटर से इस सर्कल के सेंटर से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल आएगा, अप्लाई कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो ये अप्लाई करो, और जैसे ही अप्लाई करोगे यहाँ से के की वैल्यू मिल गई, क्योंकि एस वन प्लस के एस टू फॉर्मेट है, अगर के का वैल्यू गलती से प्लस या ये माइनस वन आ गया तो वो वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगा, बाकी सारा वैल्यू अलाउड है, ठीक है। तो ये के का वैल्यू रख देना यहाँ पर, और के का वैल्यू रखने के बाद सिंप्लीफाई कर देना, गॉट इट, आया समझ में। अब वीडियो पॉज करो और अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है। अभी हम लोग फैमिली ऑफ सर्कल से रिलेटेड अभी अगला दो तीन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और अभी तो क्वेश्चन पढ़ लिया तुम लोगों ने, ठीक है। क्या करा है क्वेश्चन, अ सर्कल टचेज द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल एट इट्स मिडिल पॉइंट। तो मान लो ये एक सर्कल है, कौन सा राइट एंगल, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस वाला ही राइट एंगल ले लो, इन्फॉर्मेशन कम है तो मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब दे लिया। And passes through midpoint of the shorter side. तो ये right angle था, ठीक है, और यहाँ पर ये आ गया a कॉमा ज़ीरो, ये हो गया ज़ीरो कॉमा b। shorter side का मतलब ये पक्का a कॉमा ज़ीरो रहा होगा, a less than b है, ठीक है। इसका मिड पॉइंट क्या हो गया, ए बाई टू एंड बी बाई टू। तो तुमने अभी अभी देखा है, अगर एक लाइन है और एक पॉइंट है तो यहाँ से पास करने वाले फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो पहले पॉइंट सर्कल लिखते हैं, एक्स माइनस एक्स वन स्क्वायर वाई माइनस वाई वन स्क्वायर प्लस आर्बिटरी कॉन्स्टेंट और इस लाइन का इक्वेशन,
ये इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन है, इसका एक्स इंटरसेप्ट ए, वाई इंटरसेप्ट बी, तो सीधा सीधी लाइन का इक्वेशन लिख लो यहाँ, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। मैंने अभी फैमिली ऑफ सर्कल में बताया था ऐसा सिचुएशन, जो एक लाइन का इक्वेशन दे दिया हो और उसी लाइन के ऊपर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी दे दिया हो, तो यहाँ से बहुत सारे सर्कल पास करेंगे, तो इन सारे सर्कल का इक्वेशन लिखते कैसे हैं, तो x माइनस एक्स वन उस पॉइंट की मदद से एक पॉइंट सर्कल लिखो प्लस आर्बिटरी कॉन्स्टेंट लाइन का इक्वेशन इक्वल्स टू जीरो। तो मैंने इस रिजल्ट को यहाँ यूज किया, मेरे पास सर्कल का इक्वेशन आ गया, बस k मिसिंग है। k निकालने के लिए तुम्हारे क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन क्या दिया है बच्चे, तो कह रहा है दिस सर्कल पासिस थ्रू शॉर्टर साइड, तो यहाँ शॉर्टर साइड a कॉमा जीरो है, तो इट पासिस थ्रू a कॉमा जीरो, तो a कॉमा जीरो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई कराओ, तो जहाँ x है वहाँ a, जहाँ y है वहाँ जीरो, ऐसा करने से k का वैल्यू पता चल गया। अब ये k का वैल्यू यहाँ रख दो, सर्कल का इक्वेशन मिल गया, तो कट पिट के देखो सर्कल का इक्वेशन ऐसा आया। अब सर्कल का इक्वेशन आ गया, तो अब क्या तुम इस सर्कल का रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो, तो सीधे इस सर्कल का रेडियस कैलकुलेट कर लो, ठीक है, तो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो आर स्क्वायर कट पिट के ऐसा आया होगा, आर का वैल्यू कट पिट के बी बाई फोर ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा आ रहा होगा, गॉट इट। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन, अब वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को कनेक्ट करो, ठीक है, कर द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन द लाइन दिस एंड कट द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू फोर ऑर्थोगोनली। तुम्हें ये प्रूफ करके बताना है, जो ये सर्कल दो फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा है, और अब तुम्हें ये भी बताना है जी वो दोनों फिक्स्ड पॉइंट क्या रहा होगा, तो ठीक है। तो अब यहाँ पर मेरे पास सर्कल पता नहीं है, अभी अननोन सर्कल है, तो मैं एक फैमिली ऑफ सर्कल एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करो इस क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए, एट फर्स्ट स्टेप लेट द रिक्वायर्ड सर्कल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, सर्कल का इक्वेशन तुमने एज्यूम कर लिया। अब इट कट्स द सर्कल ऑर्थोगोनली, इट कट्स द सर्कल ऑर्थोगोनली, इट कट्स द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू फोर ऑर्थोगोनली एंड इट्स सेंटर माइनस जी माइनस एफ लाइज ऑन 2x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आया, सबसे पहले इसका इस सर्कल के साथ कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी लगाओ, तो 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल्स टू c1 प्लस c2, c तो पता चल गया माइनस 4। अब इस सर्कल का सेंटर इस पे लाई कर रहा है, तो एक और इन्फॉर्मेशन निकला, वो इन्फॉर्मेशन क्या आया, माइनस टू जी प्लस टू एफ प्लस नाइन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब ये सी का वैल्यू और यहाँ से जी का वैल्यू लिख लेते हैं, जी लिख लिया मैंने एफ प्लस नाइन बाई टू, सी और जी का वैल्यू मैं इक्वेशन वन में पुट करने जा रहा हूँ, means putting these values, putting these values
इन इक्वेशन वन वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एफ प्लस नाइन ऑफ एक्स प्लस टू एफ वाई माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो। अब करो क्या यहाँ पर, जो जो इंडिपेंडेंट ऑफ एफ है उसको बाहर कर लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस नाइन एक्स माइनस फोर प्लस टू एफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो। इस सर्कल के इक्वेशन में एफ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ एफ यू कैन टेक एनी रियल नंबर, यहाँ भी एफ यू कैन टेक एनी रियल नंबर। तो अब तुम ध्यान से अगर देखोगे तो तुम क्या पाओगे, ये जो मैंने सर्कल लिया था ये आगे चल के कन्वर्ट हो गया सर्कल का इक्वेशन प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट लाइन का इक्वेशन। अगर कोई जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन कंडीशन लगाने के बाद इस सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, जो ये जो रिक्वायर्ड सर्कल है वो इन दोनों के हेल्प से जो सिचुएशन बना था उसका फैमिली ऑफ सर्कल है। इन दोनों के हेल्प से सिचुएशन का मतलब क्या हो गया, जो ये एक सर्कल रहा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस नाइन एक्स माइनस फोर और एक लाइन रहा होगा एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो फैमिली ऑफ सर्कल पास कर रहा था वो मेरा इक्वेशन ऑफ सर्कल वन था, इक्वेशन वन था। तो इससे ये पता चल गया जो ये जो सर्कल है वो किस दो फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये इस लाइन और इस सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, ठीक है। इन दोनों को आपस में सॉल्व करो तो देखोगे पॉइंट्स माइनस हाफ कॉमा हाफ, यहाँ माइनस फोर कॉमा फोर ये निकल के आया होगा, गॉट इट। आई होप ये समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब और यहाँ पर अगला भी उसी से कनेक्टेड रिजल्ट है, यहाँ पर भी वो फिक्स्ड पॉइंट पूछा है, तो अब इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। क्या करा है यहाँ, करा है फैमिली ऑफ सर्कल पासिस थ्रू पॉइंट्स ए एंड बी, कट द सर्कल, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स वाई माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो, प्रूव डेट कॉमन कॉर्ड ऑफ दिस टू सर्कल पासिस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डेट पॉइंट। ओके, तो सबसे पहले एट फर्स्ट स्टेप क्या करो, तुम फाइंड इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ए थ्री कॉमा सेवन एंड बी सिक्स कॉमा फाइव। तो क्या लिखते हैं, डायमेट्रिक फॉर्म में लिखते हैं, प्लस वाई माइनस सेवन वाई माइनस फाइव प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट एक्स वाई वन थ्री सेवन वन सिक्स फाइव वन, ठीक है। ये एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स, और इसको सिंप्लीफाई करो, स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू दीज टू पॉइंट्स, ये क्या आ जाएगा, टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस सेवन इक्वल्स टू जीरो। सिंप्लीफाई करने पे रिजल्ट क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू लैम्डा माइनस नाइन एक्स थ्री लैम्डा माइनस ट्वेल्व वाई फिफ्टी थ्री माइनस ट्वेंटी सेवन लैम्डा इक्वल्स टू जीरो।
इसका नाम दे दो S1, सर्कल वन। अब एक और सर्कल है S2, इसका एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका एक क्वेश्चन क्या प्रोवाइडेड है, x²+y²-4x-6y-3। तो S1 S2 दिया हुआ है, तो इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ दीज टू सर्कल्स क्या होगा, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ दीज टू सर्कल्स सीधे x² और y² का कोफिशिएंट 1 है कि नहीं है चेक करो, कर लिया चेक, 1 है, सीधे S1-S2 कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो। तो ऐसा करने से रिजल्ट क्या आया, 2λ-5x, 3λ-6y, 56-27λ = 0। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करो तो ये क्या आया, लैम्डा टाइम्स ऑफ 2x+3y-27 -5x+6y-56 = 0। मतलब समझो ये तुम्हारा L1 है, ये KL2 है। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो याद आया स्ट्रेट लाइन में L1+KL2 कब हुआ करता था, जब इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बहुत सारे लाइंस गुजरते थे जिसे फैमिली ऑफ लाइंस कहते थे। तो फाइनली ये L1+KL2 फॉर्म में आ गया, जो क्या इंडिकेट करता है, जो कॉमन कॉर्ड पासिस थ्रू फिक्स्ड पॉइंट एंड दैट फिक्स्ड पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस लाइन। तो इन दोनों लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर डालो, एक्स और वाई का जो वैल्यू निकल के आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा। सॉल्व कर देना, एक्स आई थिंक 2 आ रहा होगा, वाई निकाल लो खुद से, वो फिक्स्ड पॉइंट ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, कह रहा है इफ द सर्कल x²+y²+2gx दिस टचेज बाय द लाइन। ओके, ये तो डायग्राम बना लो, हो जाएगा। वीडियो पॉज करो, पहले 2-3 मिनट तक दिमाग लगाओ और 2 लाइन में ख़त्म करो क्वेश्चन को और कोशिश करो यहाँ पर डायग्राम बनाने की। मान लो ये एक सर्कल है, इस सर्कल का इक्वेशन है x²+y²+2gx+2fy+c और ये लाइन है। ठीक है, तो ये ओरिजिन आ गया O, ये पॉइंट आ गया P। ठीक है, ये सेंटर है C, -G-F। तो सेंटर से पॉइंट को ज्वाइन करो तो ये रेडियस हो जाएगा, ओरिजिन से सेंटर को ज्वाइन कर दो, ये ओरिजिन से सेंटर का डिस्टेंस आ गया, तो OC डिस्टेंस आ गया और OP तुम्हारे क्वेश्चन में 6√2 दिया हुआ है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, OC² = CP² + OP², सीधे सिंप्लीफाई करो, C72 आ रहा होगा। ठीक है, अब और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर्कल टचेज द लाइन y = x@the point this। ओके, वेयर इज ओरिजिन, सर्कल कंटेन द पॉइंट -10,2 इन इट्स इंटीरियर। ठीक है, लेंथ ऑफ इट्स कॉर्ड ऑन द लाइन x+y इज 6√2। ठीक है, तो डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो क्या करो, अब यहाँ सबसे पहले तो क्वेश्चन समझते हैं क्या क्या दिया है और क्या मुझे चाहिए। ठीक है, ये लाइन है y = x, एक मिनट,
ये लाइन है वाई इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, नहीं एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो सेकेंड क्वाड्रेंट से पास कर रहे थे, इस लाइन का इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। ये एक सर्कल है, ये इसको कट कर रहा है ए और बी पर, ठीक है। ये लाइन ले लो y इक्वल्स टू x, जो इसको टच कर रहा है P पर, ये ओरिजिन है, ये लेंथ 4√2 है, ये रिक्वायर्ड सर्कल का सेंटर है, ये रिक्वायर्ड सर्कल का सेंटर आया, ठीक है। तो रिक्वायर्ड सर्कल का सेंटर मान लो मैंने ये ले लिया, ठीक है, तो ये मैंने y इक्वल्स टू एक्स लिया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर मैंने ये पॉइंट एज्यूम किया x1 y1, ये लिया x2 y2, इस लाइन y इक्वल्स टू एक्स पर ये 4 यूनिट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये एंगल है 45 डिग्री, ओरिजिन से 4 यूनिट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, 4√2 यूनिट डाउनवर्ड डायरेक्शन में पी का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ये -4, -4 आएगा। यहाँ तक आया समझ में? अब ये सर्कल का सेंटर है और ये x प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो है, तो अब तुम एक काम करो, लाइन का इक्वेशन मालूम है, पॉइंट पता है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल हम ऐसा लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ द सर्कल टचिंग वाई इक्वल्स टू एक्स एट पी -4, -4। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या आएगा, एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर y प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस आर्बिटरी कॉन्स्टेंट x माइनस y इक्वल्स टू जीरो। अब तुम्हारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो -10, 2 लाइज इन द इंटीरियर ऑफ दिस सर्कल, इसका मतलब सर्कल का ओरिएंटेशन फिक्स करने के लिए -10, 2 सर्कल के अंदर है, कोई पॉइंट अगर सर्कल के अंदर है तो S1 < 0 करते थे, याद है पोजीशन ऑफ द पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द सर्कल, तो वो कॉन्सेप्ट लगाओ। जैसे ही -10, 2 इस सर्कल में रखोगे तो व्हाट यू विल गेट, 36 + 36 λ -10, -2 < 0, दिस गिव्स यू λ > 6, ठीक है। अब और इसके बाद कह रहा है ये सर्कल x प्लस y को जहां कट किया, ठीक है, ये वाला लेंथ 6√2 है, ओके। तब ये वाला लेंथ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको और इस फैमिली ऑफ सर्कल को आपस में सॉल्व करते हैं, इक्वेशन सिंपल है इसलिए सॉल्व कर दो, नहीं तो तुम ऐसा भी ऑप्ट कर सकता था, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये रेडियस, पाइथागोरस थ्योरम, 2√CM = AB, है ना, और उसको 6√2 से इक्वेट कर देते। तो यहाँ पर मैं y = -x और इस सर्कल को सॉल्व कर रहा हूँ, तो हमारे पास सर्कल का इक्वेशन है x + 4√2 y - y + 4√2 λ (x - y = 0 एंड y = -x, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ -x रख के सिंप्लीफाई कर दो। तो ऐसा करके तुम्हें फ़ायदा क्या मिला, x के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट हो गया, ठीक है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुमने जनरेट किया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट होकर क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स प्लस 16 इक्वल्स टू जीरो। सो एक्स वन एंड एक्स टू आर इट्स रूट्स, ये लाइन और सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू इसके रूट्स हैं। एक्स के टर्म में क्वाड्रेटिक आया तो एक्स वन एक्स टू इसके रूट्स हैं। तो यहाँ से सम ऑफ रूट्स निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लो, तो यहाँ से तुम्हें डिफरेंस ऑफ रूट्स निकल आएगा अंडर रूट डी बाय मॉड ए। अब तुम्हारे क्वेश्चन में ए बी का लेंथ दिया हुआ है 6√2, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और वाई वन वाई टू भी इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या आया, अंडर रूट एक्स टू माइनस ऑफ एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6√2। ठीक है, तो ये आया एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन, तो जहाँ जहाँ वाई है वहाँ पर वाई टू की जगह माइनस एक्स टू, वाई वन की जगह माइनस एक्स वन रख दो। सिंप्लीफाई करने पर मुझे एक्स टू माइनस एक्स वन की वैल्यू 6 आया। एक्स टू माइनस एक्स वन तुम्हारे क्वेश्चन में तुमने ऑलरेडी निकाल रखा है, अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर माइनस 64 इज 6। दिस इम्प्लाइज लैम्डा स्क्वायर इज 100, लैम्डा इज नथिंग बट प्लस माइनस 10। इस लैम्डा की वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पर, यही तुम्हारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल आएगा। ठीक है बच्चे, यहाँ तक आया समझ में, तो लैम्डा तुम्हारा प्लस माइनस 10 हो गया। अब वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन नंबर 9th अटेम्प्ट करो। करा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच टचेज द लाइन एट -2,7 एंड कट्स दिस सर्कल ऑर्थोगोनली। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल ये आ गया -2,7 और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट -2,7 लाइन ये है। तो फैमिली ऑफ द सर्कल का फॉर्मेट तो याद है तुम्हें, क्या लिखेगा, एक्स प्लस टू स्क्वायर पॉइंट सर्कल प्लस आर्बिटरी कॉन्स्टेंट एक्स प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये एस वन आया, ये सर्कल, अब इसको लिख दो सिंप्लीफाई करके। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के फॉर्म में एक और सर्कल दिया है, दोनों में कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी लगाओ, 2g1g2 प्लस 2f1f2 इक्वल्स टू c1 प्लस c2। ऐसा करने से k पता चल जाएगा, k का वैल्यू यहाँ रख देना। ठीक है, तो तुम्हारा सिंप्लीफाइड आंसर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11y प्लस 38 इक्वल्स टू 0 ऐसा आ रहा होगा। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10th। क्या कह रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल विच टचेज द स्ट्रेट लाइन एट 1,-3 एंड ऑल्सो टचेज दिस लाइन। ठीक है, तो 1,-3 यानी ये पॉइंट इस सर्कल के ऊपर है, तो रिक्वायर्ड सर्कल मेरे पास, रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन सेम लॉजिक से निकाल लो, पॉइंट है 1,-3 और लाइन है 3x - y = 6। इस सर्कल का इक्वेशन क्या लिखोगे, x - 1 स्क्वायर y + 3 स्क्वायर इक्वल्स टू आर्बिटरी कॉन्स्टेंट 3x - y - 6। अब इस सर्कल का सेंटर कैलकुलेट कर लो, -g - f, रेडियस कैलकुलेट कर लो, अंडर रूट g² + f² - c, f² - c। सेंटर रेडियस कैलकुलेट कर लिया,
अब कह रहा है जो ये सर्कल y इक्वल्स टू x को टच कर रहा है, तो अगर ये सर्कल y इक्वल टू x को टच किया तो इस सर्कल के सेंटर से उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगा। तो इफ द सर्कल टचेस y इक्वल्स टू x देन अप्लाई कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल्स टू रेडियस, ये निकालो एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाई करो, कट पिट के कुछ ऐसा आ रहा होगा, मॉड हटेगा प्लस माइनस लैम्बडा का दो वैल्यू, ये दोनों वैल्यू रखो और देखो कौन सा वैल्यू रखने पर रेडियस सबसे छोटा आया, उस रेडियस को कैलकुलेट कर लेना। तो सीधे लैम्बडा एक बार यहाँ और यहाँ रख के देखो, जिसमें मिनिमम वैल्यू आया वो आंसर होगा, ठीक है। तो डेसिमल में अप टू 3 प्लेसेस तक कैलकुलेट कर लेना। अब इस क्वेश्चन को देखो, ट्राई करो, ठीक है। कर लिया ट्राई, अब अपने आंसर्स को मैच करा लो यहाँ से, ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन था, फैमिली ऑफ सर्कल लिया, उसका कॉमन कॉर्ड का कंडीशन दिया हुआ है, बाकी सारे इंफॉर्मेशन भी देखो, ये आंसर मैच हो रहा है। नेक्स्ट थर्ड, ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, अगर दो कोनिक कर्व है, ये कर्व है ये कर्व है, इस कोनिक कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कोई नया कर्व पास किया तो फैमिली ऑफ कर्व कैसे लिखते हैं। तो जैसे मान लो ये कर्व वन है, ये कर्व टू है, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये फैमिली ऑफ कर्व गुजर रहा है, तो क्या लिखेंगे, कर्व वन प्लस आर्बिटरी कांस्टेंट कर्व टू इक्वल्स टू जीरो। अब फिर यहाँ के निकालने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ कंडीशन दिया रहता है, तो वो अप्लाई कर देना। तो कह रहा है इफ टू कर्व्स इंटरसेक्ट एट 4 कॉन्साइक्लिक पॉइंट, तो तुम ये प्रूफ करो। तो देखो यहाँ द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू कर्व, फर्स्ट कर्व प्लस आर्बिटरी कॉन्स्टेंट सेकेंड कर्व इक्वल्स टू जीरो। अब एक्स स्क्वायर वाला एक साथ, एक्स वाई एक साथ, वाई स्क्वायर एक साथ, कॉन्स्टेंट एक्स एक साथ, वाई एक साथ, कॉन्स्टेंट एक साथ, कर लिया। तो ये ध्यान से देखो, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है बच्चे, ध्यान से देखो, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है। अब बताओ कोई जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री सर्कल कब रिप्रेजेंट करेगा, बोला है कॉन्साइक्लिक, मतलब ये पक्का सर्कल है, ठीक है, मतलब इसके चारों कॉन्साइक्लिक पॉइंट सर्कल पे लाई करेंगे, यानी ये इक्वेशन सर्कल होगा। तो अगर सर्कल, अब तुम्हें याद होगा जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री टाइप इक्वेशन सर्कल कब रिप्रेजेंट करता है, जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशियंट इक्वल हो, एक्स वाई का कोफिशियंट जीरो हो। तो सीधे अब क्या करो, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशियंट को इक्वेट करो और एक्स वाई के कोफिशियंट को जीरो से इक्वेट करो, ये कंडीशंस लगा दिया, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब तुम लोग वीडियो पॉज करके पहला 5 क्वेश्चन लिखो, फिर ट्राई करो, फिर वीडियो पॉज करो और ये लेक्चर नंबर 8, 9 और ये लेक्चर नंबर 10 है जो अभी एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो इन सारे लेक्चर्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, ये प्रैक्टिस करो, और स्कूल की तरफ से जो तुम्हें बुकलेट दिया गया है, जो स्टडी मॉड्यूल भेजा गया है, उसके भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सर्कल पे बच्चे कम से कम 250-300 क्वेश्चंस लगाओगे तब जाके तुम्हारा अच्छे से हर मॉड्यूल हर वैरायटी कवर होगा, ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो
वीडियो पॉज करना यहाँ तक, ट्राई करना, और ये उसके नीचे इसके आंसर्स हैं, ठीक है। अब ये कुछ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी से रिलेटेड, इन सारे क्वेश्चंस को भी ट्राई करोगे, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस को, ये कुछ सब्जेक्टिव फॉर्मेट के क्वेश्चंस हैं, इसको भी ट्राई करोगे, और इसमें जो एक दो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं ये उनके सॉल्यूशंस हैं। अगर नहीं बना है ना तब इस सॉल्यूशंस को देखना, पहले तुम अपने तरफ से 100% एफर्ट डालो, ठीक है। और इसको देखने के बावजूद भी नहीं समझ में आया तो फिर जूम क्लासेज में मेरे से डिस्कस करवा लेना, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे रेडिकल एक्सेस, ओके।